नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। बात करने वाला हूं आज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के एनिमेशन टैब के बारे में, जैसा कि आप लोग टाइटल में देखे भी होंगे। सबसे पहले यहां पर बात करें तो यहां पे प्रीव्यू ग्रुप आता है। प्रीव्यू में क्या होता है, बेसिकली जैसे कि हमने कोई डिज़ाइन किसी भी एनिमेशन पर लगाई हुई है तो उनको एक साथ देखने के लिए यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ तब होगा जब हम कुछ यहाँ पर अप्लाई करेंगे पहले। फिर इसमें आता है एनिमेशन, और इसमें आता है सबसे पहले कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन क्या होता है, जब हम अपने आप से कुछ किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो उसे कस्टम एनिमेशन कहते हैं। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक शेप इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे कि हमने ट्रायंगल इंसर्ट करा लिया। ओके, और इसको चाहें तो इसका हम कलर वलर यहाँ से जाके फॉर्मेट टैब पर आएंगे और शेप फिल के थ्रू जो भी चाहें वो अपना सेट कर सकते हैं। ओके, फिर हम आते हैं एनिमेशन टैब पर और क्लिक करते हैं एनिमेशन टैब पर। जब हम एनिमेशन टैब पर ये क्लिक कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पेन खुल के आ जाता है, और ये पेन है कस्टम एनिमेशन का ही, और इसके थ्रू हम किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। कि जैसे मान लिया हमने इस पर क्लिक कर जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर खुल के आ जाता है, और हम जो भी लेना चाहें, डायमंड लगाएंगे तो इस तरीके से जो है हमारा ये दिखेगा। ठीक, तो हम अगर डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्लाइड पे हम गए और हमने कोई इंसर्ट कराया, कोई अलग शेप से हमने ये शेप इंसर्ट करा लिया। ठीक, फिर से आए ऐड इफेक्ट पे आए और हम इस बार कुछ और लगाते हैं इस तरीके से, ये देखिए मूव करेगा। ओके, अच्छी चीज़ है ना। फिर इसके बाद में और यहाँ पे इसकी जब जो हमारा कस्टम एनिमेशन का पेन खोल के आता है, यहाँ पर और सारे ऑप्शन आते हैं। प्ले के थ्रू हम इसको प्ले करके देख सकते हैं जो हमने लगाया हुआ है। स्लाइड शो के थ्रू अगर ऑन करेंगे तो पूरी स्लाइड शो ऑन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो हम इन पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करें एनिमेशन टैब में, ये तो कस्टम एनिमेशन हो गया। यहाँ से जा करके हम जिस भी चाहें तो उस तरीके से लगा भी सकते हैं। यहाँ से भी एनिमेशन, जब हम कस्टम एनिमेशन अप्लाई कर चुके होते हैं तो ये ऑप्शन ऑन हो जाता है। फिर हम बात करें यहाँ से पहले बनी बनाई स्लाइड है, जो भी चाहें तो हम पूरी स्लाइड पर डिज़ाइन तरीके की लगा सकते हैं इस तरीके से, जो भी अप्लाई करना चाहते हों। फिर हम बात करेंगे जैसे कि और भी सारी जैसे डिज़ाइन हैं, इनको भी अप्लाई करना हो तो वो भी अप्लाई करते हैं। और फिर हम बात करेंगे जैसे वाइप अप हो गया। ठीक, इस तरीके से स्लाइड पर अगर डिज़ाइन लगानी है तो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें ट्रांजिशन साउंड की, मतलब कि जब हम ये करें तो ये साउंड शो हो, जैसे कि यहाँ पर नो साउंड लगा है, अगर हम कोई भी साउंड लगाते हैं तो इस तरीके से साउंड शो होता है। जैसे इस पर हम गए और हम इस पर साउंड लगा देते हैं इस तरीके का, कोई भी साउंड लगा दिया, साउंड नहीं सो होगा क्योंकि माइक्रोफोन नहीं है यहाँ पर। ट्रांजिशन स्पीड, मतलब ये बहुत स्पीड से भी देख रहे होंगे आप, बहुत स्पीड से हो रहा है क्योंकि यहाँ फास्ट लगा हुआ है। अगर हम मीडियम पे क्लिक करें और फिर से हम इस पर जब जाते हैं तो देखिए बहुत स्लो होता है, स्लो करेंगे तो और भी स्लो होगा इस तरीके से। अभी स्पीड और यहाँ पर ड्रम रोल में साउंड भी ओके हुआ है। ठीक, अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो इस सबके लिए यही चीज़ अप्लाई हो जाएगी, मतलब सारी स्लाइड्स के लिए। ठीक, तो चाहे तो हम करें चाहे तो ना करें। फिर बात करें एडवांस स्लाइड की, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। ऑन माउस क्लिक, जैसे कि जब हम यहाँ पे स्लाइड शो ऑन करेंगे तो हम स्लाइड शो तभी ये अगली स्लाइड पर जाएगा जब हम माउस द्वारा क्लिक करेंगे, ऑन माउस क्लिक, या तो फिर जैसे कि इस पर जो अप्लाई हुए ट्रांजिशन है वो तभी काम करेंगे जब हम क्लिक करें, अगर इस पर टिक लगा रहेगा। अगर टिक लगा है तब हम जब माउस से क्लिक करेंगे स्लाइड शो के दौरान तभी इस पर जो स्लाइड जो इस पर इफेक्ट अप्लाई है वो शो करेंगे, अदरवाइज नहीं शो करेंगे। तो हम इसको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं और यहाँ पर सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली आफ्टर, मतलब इतने सेकंड के बाद या इतने टाइमिंग के बाद जो है हमारा जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़े, तो हम चाहें तो यहाँ सेट भी कर सकते हैं, एक सेकेंड या दो सेकेंड जो भी चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में स्लाइड शो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ओके, तो एक दो सेकंड में ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पर दो ही स्लाइड थी क्योंकि हम यहाँ पहली स्लाइड पे थे नहीं, यहाँ से अगर आएँ और यहाँ से आकर के स्लाइड्स को ऑन करें तो इस तरीके से कुछ दिखेगा फेस।
और यहाँ पर हम चूँकि माउस से क्लिक करके लगाए, ऑटोमेटिकली इस पर नहीं लगाया ना, तो इस पर जो है हमारा माउस के थ्रू जो है काम करेगा। तो इस तरीके से स्लाइड्स तो ऑन करके देख सकते हैं। अगर इसे हम देखो यहाँ पे माउस से क्लिक करें तब यहाँ पर आया हुआ है, और जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे हम जो जाएंगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ गया। तो हमको मतलब प्रत्येक स्लाइड पे डिज़ाइन करना मतलब लगाना होता है। जैसे इस स्लाइड पे लगाना है तो यहाँ पे ऑन माउस क्लिक लगा हुआ है, इसको हम हटा दें और यहाँ से भी जा करके अगर टाइमिंग दे दें 1-2 सेकंड की, अब हम जब स्लाइड्स ऑन करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक चलेगा, अब हमें क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है और अगले पर भी चला जाएगा इस तरीके से, और हमारा स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर जो है एनिमेशन टैब समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और सारे ऑप्शंस में से अगर कोई और ऑप्शन में डाउट रह रहा है तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।